देखो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय सबसेट ऑफ मॉड्यूल, यानी कि कोई एक सब मॉड्यूल है और वो किसे जनरेट हो रहा है उस मॉड्यूल के सबसेट से। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर है एम कोई भी हमारे पास आर मॉड्यूल दे रखा है, एस कोई भी क्या है नॉन एम्प्टी सेट। इफ़ ये कह रहा है क्या, एक तो हमारे पास एम क्या है मॉड्यूल है और एस उसका क्या है सबसेट है, और एक ए अनदर कोई भी सब मॉड्यूल है एम का। तो ये कह रखा है इफ़ ए सम मॉड्यूल कंटेनिंग एस, ए क्या कर रहा है एस को कंटेन कर रहा है, एंड इज इट सेल्फ कंटेनिंग एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम, और खुद क्या है एम के जितने भी सब मॉड्यूल हैं ना अदर उनके अंदर क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग एस, देन ए इज कॉल्ड द सब मॉड्यूल ऑफ एम जनरेटेड बाय एस। तो हम क्या बोलेंगे, जो ए है वो एस से जनरेटेड कब है, जो मेरे पास जो ये एस है ना वो क्या सबसे स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल है जो एस को कंटेन कर रहा है। देखो मैं डेफिनेशन को क्लियर करती हूँ, पहले मेरे पास क्या था एम कोई भी एक मॉड्यूल था, एस इसका कोई भी क्या था सबसेट था, और ए इसका कोई भी सब मॉड्यूल था जो कि क्या है सारे जितने भी एम के जितने भी सब मॉड्यूल है जो इसको कंटेन करते हैं उनमें से सबसे छोटा सब मॉड्यूल है जो इसको कंटेन कर रहा है। तो कह रहा है जो ए है वो उस सबसेट से कब जनरेटेड होगा, जब वो सबसेट है वो हमारे पास क्या हो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो सब मॉड्यूल हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना जो ए है ये ए एम के सभी सब मॉड्यूल में से सबसे छोटा मॉड्यूल है जो एस को कंटेन करता है। तो देखो हमारे पास क्या है, जो इसकी हमारे पास थ्योरम है ना वो एक बार आप पढ़ने में समझ आया, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर इस थ्योरम का प्रूफ था। देखो इसमें क्या कहता है, शो दैट द सम मॉड्यूल ऑफ ए यूनिटल आर मॉड्यूल, यानी कि वो मॉड्यूल है ना उसके अंदर इस बार क्या है हमारे पास वन इंटू एम इक्वल टू एम, यानी कि जो मेरे पास रिंग है ना उसके पास यूनिटी है और यूनिटी के कारण जो एम है ना वो मेरे कैपिटल एम में जा रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी यूनिटल आर मॉड्यूल की, ये शो करके दिखाना है सम मॉड्यूल ऑफ ए यूनिटल आर मॉड्यूल जनरेटेड बाय सबसेट एस ऑफ एम कंसिस्ट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन। देखो अभी ये जो जनरेटेड सेट था उसको इससे भी रिप्रेजेंट करता है और इससे भी रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे ये शो करके दिखाना है कि मेरे पास जो वो सब मॉड्यूल है किसका एम का वो क्या है इस एस से क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है, यानी कि मान लो वो सब मॉड्यूल मेरा ए है और मुझे दिखाना है कि वो इस एस से क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है। अब मुझे पता है कि किसी भी सब मॉड्यूल को ऐसे जनरेट दिखाने के लिए मुझे इस एस को क्या दिखाना पड़ेगा, एस कह लूँ या फिर एल एस को क्या दिखाना पड़ेगा, पहली बात तो मुझे ये सब मॉड्यूल दिखाना पड़ेगा, दूसरी बात मुझे ये दिखाना पड़ेगा सबसे क्या है सबसे स्मॉलेस्ट है जो एस को कंटेन करता है। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया एल एस क्या है, जैसे कि मान लो एस है, एस के एलिमेंट को हमने मान लिया कि रिंग के मल्टीप्लाई करा दी आर ए, फिर मैंने दूसरा एलिमेंट लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया एस से, आर ए एस बी उनका सम। ठीक है, उससे आगे एलिमेंट जितने भी लीनियर कम्बिनेशन सारे एल एस के अंदर है, देखो इस टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस जनरेटिंग सेट को हमें क्या दिखाना है स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल, तो उससे पहले हम क्या दिखाएंगे इस एल एस को कह लो या जनरेटिंग एस को दिखा लो, इसको क्या प्रूव करेंगे सब मॉड्यूल। तो सब मॉड्यूल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दो एलिमेंट लेके चलते हैं, तो दोनों एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एल एस में किस टाइप के एलिमेंट है जो मेरे पास लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं ए वन ए टू ए एन का। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बी मान लिया, बी बल्कि यहाँ पे ना आप ऐसे करना एस वन बी वन है ना, एस वन बी वन नहीं लेके एस लेना, एस वन ए वन एस टू ए टू और अप टू एस एन ए एन ऐसे लेना। ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन दिखा रखा है। बी टू एलिमेंट ले ले किसके, एल एस के, जहाँ पे जो आर आई है एस आई है किसके है रिंग के मेंबर है। अब वो कह रहा है कि हमें सब मॉड्यूल के लिए सबसे पहले क्या दिखाना पड़ता है, एडिटिव सब ग्रुप, और एडिटिव सब ग्रुप के लिए दोनों की सब्ट्रैक्शन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा ए वन, ये आ जाएगा ए टू, ये आ जाएगा ए एन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आर वन माइनस एस वन ए वन, यहाँ आ जाएगा आर टू माइनस एस टू ए टू, और लास्ट में क्या आ जाएगा आर एन माइनस में एस एन ए एन। फिर हम क्या कहेंगे आर वन एस वन दोनों रिंग के मेंबर, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी रिंग की होगी, सेम यहाँ पे भी ये भी रिंग का मेंबर, ये भी रिंग का मेंबर, हमने क्या दिखा दिए इनके जो कोफिशियंट है वो तो रिंग के मेंबर, और लीनियर कम्बिनेशन किसका लिखा जा रहा है ए वन ए टू ए एन का, और जो ए वन ए टू ए एन के लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं सारे किस में चले जाते हैं एल एस में चले जाते हैं, तो यानी कि ए माइनस बी किस में चला गया हमारा एल एस में। अब मुझे सेकंड प्रॉपर्टी क्या दिखानी है कि एक क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो इसके लिए एक मेंबर तो रिंग का लूंगी और एक मेंबर मैंने कोई भी आर्बिट्री किसका ले लिया एल एस का, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके देखूंगी। तो मैंने देखो यहाँ पे भी ये रिंग का मेंबर, अगर आर रिंग का है आर वन रिंग का है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से हमारे पास ये भी किस में चला जाएगा रिंग में, क्योंकि रिंग में सेकंड ऑपरेशन क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन रिस्पेक्ट में वो क्या होता है क्लोज होता है, तो आर आर वन भी चला गया, आर आर टू भी चला गया, आर आर एन भी चला गया इसके अंदर हमारे पास।
तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे रिंग के मेंबर हो गए कोफिशियंट, और ये किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखे गए हैं, ए वन ए टू ए एन के। तो यहाँ से आर ए किस में चला गया, एल एस में, यानी कि मैंने सब मॉड्यूल की दोनों प्रॉपर्टीज को दिखा दिया। तो एल एस क्या होगा, सब मॉड्यूल हो गया। अब देखो हमें क्या क्लेम करके दिखाना है कि एल एस क्या है, सबसे छोटा मॉड्यूल है जो इसको कंटेन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी जो एल एस है वो इसको कंटेन करता है। देखो अब जो एस है, एस के अंदर क्या, मान लो एक एलिमेंट है ए, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री, अगर मैं रिंग का कोई भी मेंबर ले लूँ तो मैं रिंग के मेंबर को सारे के सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे मेरे पास, वन इन टू ए, यानी कि एस के एलिमेंट का क्या बना दे, लीनियर कम्बिनेशन, और लीनियर कम्बिनेशन किस में जाता है, एल एस में, तो ए इन टू वन भी चला गया। रिंग का मेंबर यहाँ पे चेंज करती जाऊँ वो भी एल एस में चला गया, कोई और एलिमेंट को ऐड करती जाऊँ वो भी मेरा एल एस में चला गया, यानी कि एस के सारे मेंबर अगर मैं रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि लीनियर कम्बिनेशन हो गया हमारे पास, और ये सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन एस के वो किस में जाएंगे, एल एस में, क्योंकि एल एस में है क्या, एस के एलिमेंट्स के क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है। तो यानी कि पूरा का पूरा एस किस में चला गया, एल एस में चला गया, क्योंकि अब देखो मैंने पहले लिया ए इन टू वन ले लिया, फिर मैं कोई और एलिमेंट ले लूँ एस का, मान लो बी इन टू वन ले लूँ, फिर मैंने कोई सी इन टू वन ले लिया, तो मैंने क्या किया, ये सारे लीनियर कम्बिनेशन लिखे गए और लीनियर कम्बिनेशन चले गए एल एस में, यानी कि मैं एक तरह से यही कह दूँ कि एल के सारे मेंबर जो एस के सारे मेंबर थे वही चले गए एल एस में, यानी कि जो एस है वो किस में चला गया, एल एस में। तो एल एस क्या हो गया, सब मॉड्यूल हो गया जो एस को कंटेन करता है। अब मुझे उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करके दिखाना, अगर फाइनलिटी जनरेटेड दिखाना तो मुझे इसको क्या दिखाना पड़ेगा, सब मॉड्यूल, फिर उसको सबसे स्मॉलेस्ट जो इसको कंटेन करता है। अब मैंने क्या दिखा दिया, इसको कंटेन करता है, सब मॉड्यूल दिखा दिया, मुझे सबसे छोटा दिखाना है, तो मैंने सबसे छोटा दिखाने के लिए मैंने कोई और मान लिया कि W कोई भी अदर सब मॉड्यूल है जो इसको कंटेन करता है। देन अगर W कोई भी अदर सब मॉड्यूल है जो इसको कंटेन करता है, तो अगर वह इसको करे तो एल एस को भी करेगा भाई। देखो इट W इज एनी सब मॉड्यूल ऑफ M कंटेनिंग एस, देन ईच एलिमेंट ऑफ एल एस मस्ट बी इन W, तो इसका मतलब क्या हो गया, एल एस का हर एक एलिमेंट भी W में होगा भाई, क्योंकि एस के सारे एलिमेंट किस में थे, एल एस में थे। और वो कह रहा है जब वो एस को कंटेन कर रहा है तो यानी कि एल एस को भी कंटेन करेगा, क्योंकि एस के एलिमेंट एल एस में तो है। तो यानी कि हमने क्या दिखा दिया, यहाँ से एल एस को छोटा दिखा दिया डब्लू से। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था भाई, एल एस का सबसे छोटा सब मॉड्यूल है जो एस को कंटेन करता है। अगर मैं ऐसा दिखा पाऊँ तो मेरे पास जो एम का जो सब मॉड्यूल था वो किससे जनरेटेड हो जाएगा, एस से। तो ये था हमारा थ्योरम का प्रूफ। तो मैंने इसको क्या दिखाया, सब मॉड्यूल दिखाया, फिर मैंने इसको सबसे छोटा दिखाया, सबसे छोटे के लिए मैंने कोई अदर मान लिया और अदर को क्या दिखा दिया, उससे बड़ा दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल एस सबसे छोटा हो गया जो एस को कंटेन करता है। तो ये था हमारा थ्योरम का प्रूफ।